पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यमुनानगर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत मंत्री रणजीत चौटाला ने शिरकत की। इस साल गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले, जबकि आम लोगों के लिए पुलिस लाइन को पूरी तरह से सील किया हुआ था। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा भी था। कड़ी सुरक्षा के बीच इस पर्व को मनाया गया, तो वहीं कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों की संख्या में भी कटौती की गई। कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का बखूबी ख्याल रखा गया और वहीं समारोह पर पहले से ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोरोना के साथ साथ किसान आंदोलन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। हालांकि हर साल गणतंत्र दिवस तेजली स्टेडियम में मनाया जाता था, लेकिन किसानों द्वारा दी गई चेतावनी को देखते हुए पुलिस लाइन को सील कर दिया गया था और समारोह पर पहुंचे विद्युत मंत्री रणजीत चौटाला ने तिरंगे को सलामी देने के बाद परेड की सलामी ली। संबोधन में उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। इस अवसर पर उन्होंने जाबाज सैनिकों को भी नमन किया, जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हालांकि घना कोहरा होने की वजह से गणतंत्र दिवस की रौनक फीकी ही नजर आई, लेकिन पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड जवान और एनसीसी के बच्चों ने परेड में भाग लिया और तरह तरह की झांकियां निकाली गयी। समारोह में देशभक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां निकाली गई, जबकि कोविड 19 के मद्देनजर समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कटौती देखने को मिली। पंजाब की सिटी वी चंडीगढ़ के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।